नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद राज्य में हेली सेवाएं सीमित हो जाएंगी। हिमालय की सर्वाधिक खतरनाक घाटियों में से एक केदारनाथ के लिए हेली टैक्सी यात्रा बेहद जोखिम भरी मानी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि रोपवे या फिर केबल कार का विकल्प खुल जाने के बाद से ही केदारनाथ की हेली सेवा सीमित हो जाएगी और 21 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं और इस दौरान वे राज्य के दो महत्वाकांक्षी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और इनमें से एक केदारनाथ केबल कार का शिलान्यास भी शामिल है और केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद राज्य की हेली सेवा सुरक्षा के लिहाज से सवालों के घेरे में है। ये चर्चा का विषय है कि केदारनाथ के लिए अंधाधुंध हेली टैक्सियों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कितना उचित है और पहली नजर में सरकार के नीति नियंत्रण के हिसाब से ही रोपवे या केबल कार हेली टैक्सी की तुलना बहुत ज्यादा सुरक्षित और किफायती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में हेली सेवाएं का संचालन हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। उनके मुताबिक सरकार इन चुनौतियों को सामने रखकर इस तरह के काम करेगी जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं अब खबर बलरामपुर से है, जहां पर बलरामपुर में ही भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद ही अब ग्रामीणों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराने की बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। लेकिन ऐसे में लेखपाल संघ द्वारा पुलिस पर ताड़ना को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिससे जिला प्रशासन के हाथ जो पाँव हैं वो फूले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में लेखपालों की शिकायतों पर SP ने ही 5 दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला उतरोला कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां उतरोला लेखपाल संघ अध्यक्ष ब्रजेश सिंह के मुताबिक तहसीलदार उतरोला के ही आवास से एक चोर भागा था, जिसका पीछा करते हुए लेखपाल ब्रजेश सिंह और उनके साथी कोतवाली उतरोला तक पहुंचे और पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया है कि मामले में 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच उतरोला CO को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 13 तारीख को जो घटना बरबरतापुर मुझे पिटा गया था, इसमें मैं एक चोर की पीछा करते हुए तहसील कैंपस से आया, वो कोतवाली के RC बैरक में घुस गया और मैं बाहर से चिल्लाता रहा कि भैया वो जो अंदर घुसा उसे पकड़ के लाइए, वो चोर है। अंदर जाके वो अपने आप क्या प्रस्तुत किया ये मुझे नहीं पता है। उसमें से काफ़ी भीड़ निकल के आई पुलिस RSCOं की और मैं चिल्लाता रहा कि भैया मैं लेखपाल हूँ, वो अंदर जो गया है वो तहसीलदार साहब के आवास से निकल के भाग के आया है, उसे पकड़ के लाइए। लेकिन उन्होंने लेखपाल हो तुम क्या गवर्नर हो गए माबानते हुए अगर पकड़ के इतनी बर्बरता से मारा। पुलिस विभाग उस घटना को स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ ये घटना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था, ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए, किंतु फिर भी 6-7 दिन बाद आज तक कोई भी कार्रवाई उन 5 दोषी कर्मियों पे नहीं हुई। आज हम लोगों की बैठक थी, अगर शाम तक कोई ठोस निर्णय नहीं आता है तो तहसील उतरौला के साथ हमारे तहसील तुलसीपुर और तहसील बलरामपुर के समस्त लेखपाल अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। थाना उतरौला में एक पुलिसकर्मियों और लेखपालों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें तथाकथित रूप से एक व्यक्ति को पीछा करते हुए लेखपाल जब थाने में आए तो वो बैरिक के अंदर घुस गया और इसी को लेकर पुलिसकर्मी जो वहाँ पे सो रहे थे और जो लेखपाल आए उनके बीच में हाथापाई विवाद हो गया। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने जो 5 हमारे उतरौला थाने के थे उनको लाइन हाजिर कर दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के इस वक्त बाढ़ की भीषण तबाही झेल रहा है और जिले को ही तमाम सड़कें, पुलों के अप्रोच मार्ग और सरकारी सहित निजी भवन क्षति पहुंची है और इसके साथ तमाम शासकीय कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ही बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पलटू राम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है जिले को विशेष पैकेज दिया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिला पहले से ही देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार महत्वाकांक्षी जिला है और यहाँ पर तमाम लोग बाढ़ के कारण बेघर हो गए हैं। बलरामपुर जनपद
आप सब अवगत हैं कि पहले से भी एक्सेप्शनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में है, और उसके बाद बाढ़ की विभीषिका ने बलरामपुर जनपद के 80% भूभाग और 80% आबादी को प्रभावित किया है। जैसा कि यहाँ के जानकार लोग बताते हैं कि 1969 में ऐसी बाढ़ की आपदा आई थी, इतने वर्षों के बाद भीषण आपदा के बाद यहाँ तक कि शहर के रिहायशी इलाकों में टीमर से लोगों का आना जाना हुआ है। हरदोई जिले की पुलिस ने किसी की हत्या की वारदात के लिए सुपारी लेकर हरदोई पहुंचे राजस्थान और हरियाणा के दो बदमाशों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने अपनी टारगेट वारदात करने से पहले एक दंपति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। उसी लूटपाट की घटना के खुलासे में पुलिस के हाथ ये 5 बदमाश चढ़ गए हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए जेवर और सामान के साथ साथ 5 नाजायज असले भी बरामद किए हैं। पुलिस इनकी दूसरी वारदात के अलावा इनके उद्देश्य के बारे में पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर दंपति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि जो लूट है वो की गई है, और पुलिस ने लूट का खुलासा भी करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस भी साथ में नजर आ रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है हरदोई से। पुलिस ने लूट का बड़ा खुलासा करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज जनपद में थाना कशोना पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से परसों दिनांक 17 को कशोना में ही की गई लूट की घटना से संबंधित माल बरामद हुआ। साथ ही साथ थाना बेनीगंज पुलिस द्वारा कल एक चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वह चोरी के मोटरसाइकिल भी उसी लूट में प्रयोग की गई थी। पूछताछ में यह ज्ञात हो रहा है कि ये सभी अपराधी किसी अन्य बड़ी घटना को कैद करने के लिए एकत्र हुए थे, और इन घटनाओं के तहत इनका जो गिरफ्तारी हुई है, आगे इनका क्या प्लान था और क्या ये करने वाले थे, इसका पूछताछ में सहारनपुर की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता काजी इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे काजी शयान मसूद बसपा सुप्रीमो के समक्ष हाथी पर सवार हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काजी इमरान मसूद को आशीर्वाद देकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्वास दिलाया है, और इसके साथ ही ये पहली बार है जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आवाज का सार्वजनिक रूप से किसी नेता को पार्टी में ही शामिल करते हुए उसका फोटो भी जारी किया है। काजी इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने के साथ ही मायावती के आशीर्वाद देने से उनका कद पार्टी बढ़ गया है, और इमरान को लेकर काफी दिनों से चल रही राजनीति उहापोह होती हुई पर विराम लगता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको सहारनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर मायावती आशीर्वाद देती हुई तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर की राजनीति में एक नया इतिहास जरूर लिखा जा रहा है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता काजी इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे काजी शयान मसूद बसपा सुप्रीमो के समक्ष हाथी पर सवार हो गए, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने काजी इमरान मसूद को आशीर्वाद दिया है, और इसके साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्वास भी दिलाया है। ये पहली बार है जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आवास पर सार्वजनिक रूप से किसी नेता को पार्टी में शामिल करते हुए उसका फोटो भी जारी किया है। तो सहारनपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से मायावती ने तस्वीरों जो है वो साझा की हुई हैं और आशीर्वाद देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाल्मीकि जयंती के दिन बाइक सवार महिला से 2 अभियुक्तों द्वारा की गई लूट का ननौता पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताते चलें कि पिछली 9 तारीख वाल्मीकि जयंती वाले दिन बालेश्वर अपनी पत्नी के साथ ग्राम ढाला चोर से ही अपने गांव ढाका देई में आ रहा था, तभी रास्ते में शोखवा के बाग जंगल थाना ननौता के पास ही बाइक सवार 2 अभियुक्तों ने ही बालेश्वर की पत्नी से पर्स छीन लिया, जिसकी सूचना थाना को
ननौता में ही दी गई और इस मामले में थाना ननौता पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इसमें खुलासा कर दोनों अभियुक्तों सहित लूटा गया पर्स, मोबाइल और 1300 रुपए भी नकदी के साथ ही पर्स में रखे हुए थे, वो भी सारे ज्वेलर, और इसके साथ ही एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। तो आपको सहारनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। महिला से लूट कर खुलासा किया है पुलिस ने, जो महिला के साथ लूट हुई थी उसमें पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बाइक सवार महिला से ही 2 अभियुक्तों द्वारा की गई लूट का ननौता पुलिस ने ही खुलासा किया है। बताते चले कि 9 तारीख को ही वाल्मीकि जयंती वाले दिन बालेश्वर अपनी पत्नी के साथ ग्राम डाला चोर से अपने गांव डाका देई में आ रहा था, तभी रास्ते में ही शोखा के बाग जंगल थाना ननौता के पास से बाइक सवार 2 अभियुक्तों ने बालेश्वर की पत्नी से पर्स छीन लिया था, जिसकी सूचना उसके बाद से ही पुलिस को दी गई थी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी और तुरंत अभियोग पंजीकृत कर ही जांच उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इसमें खुलासा कर दोनों अभियुक्तों सहित लूटा गया पर्स, मोबाइल और 1300 रुपये नकदी और इसके साथ ही पर्स में रखे सारे ज्वेलरी और एक अवैध तमंचा और इसके साथ ही उन्हें 2 जिंदा कारतूस सहित घटना से प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 9 अक्टूबर को जिस दिन वाल्मीकि जयंती का जुलूस चल रहा था पूरे जनपद में, और जनपद की पुलिस वाल्मीकि जयंती के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने में व्यस्त थी, 2 अभियुक्तों के द्वारा एक बाइक सवार महिला से लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें उस महिला का पर्स के अंदर कुछ सामान, कुछ ज्वेलरी और कैश रखा था और मोबाइल फ़ोन, ये लूट लिया गया था। इस घटना का थाना ननौता पुलिस ने सफल अनावरण किया है, इसमें 2 अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्तों के पास से 100% बरामदगी हुई है। मोबाइल फ़ोन, पर्स में रखा हुआ जो कैश था पूरा स्वरूप और सारी ज्वेलरी उसको बरामद किया है। तो देखा आपने, सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाल्मीकि जयंती के दिन बाइक सवार महिला से 2 अभियुक्तों द्वारा ही लूट की गई थी और उसके बाद से ही ननौता पुलिस ने खुलासा कर दिया। और बताते चले कि 9 तारीख वाल्मीकि जयंती वाले दिन ही बालेश्वर अपनी पत्नी के साथ ग्राम डाला चोर से अपने गाँव डाका देई में आ रहा था, तभी रास्ते में सोखा के बाग जंगल थाना ननौता के पास से बाइक सवार 2 अभियुक्तों ने बालेश्वर की पत्नी से पर्स छीन लिया था, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई थी और इस मामले में ही थाने पुलिस ने तुरंत ही अभियोग पंजीकृत करने के बाद जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इसमें खुलासा कर दोनों अभियुक्तों सहित लूटा गया सारा सामान, जैसे कि पर्स, मोबाइल और 1300 रुपये नकदी और पर्स में रखी ज्वेलरी और एक उसके साथ ही बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है और आगे की जांच भी जारी है कि इसमें और कोई शामिल तो नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।